से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा खचनाल जो है ना वो हो चुका है तैयार। वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह। चिकन और कचनार, देसी कचनार, टाइम मानती हूँ लगता है इसको बनाने में जी, लेकिन इसकी खुशबू चेक करें, कमाल रेसिपी, खाने में चेक करें कि कैसा बना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये व्लॉग नहीं है, दिनों के बाद व्लॉग रेसिपी, तो काफी दिनों के बाद आज हम बना रहे हैं क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिला था मेरी वीडियो बना ही सके इस चैनल पे। तो आज हमने बनाया, तोड़ने के लिए गए थे कचनार, तोड़ के ले आए हैं। तो इसमें मिलाएंगे चिकन, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो अभी दोपहर का टाइम मैंने कहा इसको साफ खरीदती ना, इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर ज़्यादा वरना जल्दी शाम को बन जाएगा, वरना शाम में इतना टाइम नहीं होता कि फिर इसको गालेंगी और बनाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से चूल्हे मैंने आज सेट किए हैं पीछे। ये कुछ ग्रीन ग्रीन लगाया इस पे, तो जी इस पे लेप भी दिया है साबरा ने और इनको सेट भी किया है माशाल्लाह। साफ कर दें, ये देखें इससे टैने मैंने सारी तोड़ ली हैं। तकरीबन एक घंटा हम इसको गालेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे। पानी ले आते हैं। तो जी मैंने एक घंटा आपको कहा था लेकिन दो घंटे इसको लगे हैं क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सख्त था शायद इस वजह से। तो अच्छी तरह से आप ये देखें मैंने इसको गाल लिया है, तो अब इसका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसको मीठा पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से धो लूँगी, तो जैसे बाटे की पिनोड़ियाँ नहीं बनती हैं उनको वैसे बनाएंगे। फिर हम इसमें मिलाएंगे गोश्त, इतना गल चुका है ये देखें, ये देखें जी इस तरह से इसका पानी हमें निकाल देना है। ये एक पिनोड़ी हमारी बन चुकी है, ये देखें दूसरी बना रही है साथ। बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे, घी इसमें ज्यादा जाएगा, इतना जाएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बन चुका है। एक तो मक्खियों की मौसम आ गया, इतना तंग करते हैं बहुत ज्यादा। पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, ये रेसिपी जो है ना एक साल के बाद जो है ना बनाने को मिलती है, और एक साल के बाद बड़ी शौक से हम खाते तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन। आपको पता है कल मैंने मंगवाया था वैसे चना थी, तो आज मैंने कुछ जो है ना मंगवाया, हमें बड़ा ही शौक है तो हमें नहीं, वो विदाउट चिकन होता है। वैसे भी आप बना सकते हैं कचनार को, और आलू डाल के बनाए वो भी बड़ा मज़ेदार जी, और अगर चिकन डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, सिटी में तो मिल जाता है हमारे मुल्तान में, पाकिस्तान के किसी भी सिटी में से कचनार आजकल मिल रहा है। कचनार लें, थोड़ा सा गोश्त लें जितने बंदे हैं उसी लिहाज से चिकन का, और ये रेसिपी आप बहन भाइयों से ट्राई करें, फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आप भूल जाएंगे
बड़ी बड़ी रेसिपीज़ को ऐसी ज़बरदस्त जो है ना रेसिपी है ये, इंशाल्लाह बहुत ही आपको पसंद आएगी ये। तो अभी हम इसमें डालेंगे गोश्त, क्योंकि कचनार तो हमारा गला हुआ है ना, तो हम इसको अच्छी तरह से भूनी लगाएंगे मसाले डाल के, तो उसके बाद हम इसमें कचनार डालेंगे। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च डालेंगे, कितना टेस्ट जो होगा। नमक अभी कम डालेंगे, अभी इसमें डालेंगे हल्दी मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि जिसको जितना टेस्टी बनाना है तो वैसे मैं हम थोड़ा हल्का मसाला डालेंगे, क्योंकि हमारे घर वाले थोड़ा कम नहीं खाते हैं। खुश्क धनिया वगैरह ये चीज़ें हम डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो भी गोश्त हमारा गल चुका है, तो अभी हम इसमें कचनार डालेंगे। तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है और सिस्टर जो है वो घास काट रहे हैं सिस्टर वगैरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ी देर इसके इधर हल्के हल्के आँच पे हम पकने देंगे। कचनार देखिए क्या ही ज़बरदस्त बना है, और साथ में गोश्त डालूँ और भी मज़े का बनता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त मैंने छोटा छोटा करके इसमें डाला है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रेवी से, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और काफ़ी मेहनत की है मैंने आप लोगों ने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बहनों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने भी लाइक कर देना और सब ने लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह अच्छी वीडियो आप सब बनाए तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।